पकड़ा गया है, इस मैक की सूचना मिली है, कितने बंदे थे और कितनी इस मैक पाई गई है? देखिए, ये हमारी महिला सब इंस्पेक्टर हैं प्रियंका एसटीएफ से, इनको एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति एक ट्रक में एनडीपीएस का माल लेके आ रहे हैं। इसी सूचना पे बॉर्डर पे इस ट्रक को रोका गया। रोकने के बाद दोनों को उतार करके जब इन्होंने पूछताछ करी तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। उसके बाद से इन्होंने मुझे सूचना दी, मेरे समक्ष इनकी तलाशी हुई। तलाशी में ये दो व्यक्ति हैं, एक का नाम इरफान और दूसरे का नाम सलमान है। इसमें दोनों व्यक्तियों के पास से कुछ 403 ग्राम इरफान के पास से और सलमान के पास से 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये व्यक्ति नंडोरा के रहने वाले हैं। ये आज सुबह ट्रक लेकर के गए थे रामपुर और वहाँ से फिर ये स्मैक लेकर के खाली ट्रक में आ रहे थे। तलाशी में इन दोनों ने स्वीकार किया है कि नंडोरा का ही एक रहने वाला व्यक्ति था जिसने इनको पैसे दे करके और कैरियर के रूप में इनको भेजा था ले आने के लिए। अब इसमें इनके अरेस्टिंग करके मुकदमे की कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोगों की भूमिका के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। ट्रक और ट्रक मालिक कहाँ का है सर? ट्रक मालिक भी लंडोरा से ही है और इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि